So today I'm going to explain the poem from your Hornbill book, A Photograph, which is written by Shirley Tolson. I'm going to explain to you in Hindi as well as in English. Last time आप सबने request किया था कि मैं हिंदी में भी explanation दूँ, तो मैं इस poem के लिए दोनों languages use करूँगी. जो ये poem है A Photograph, ये बहुत ही emotional poem है. फोटोग्राफ का मीनिंग आप सबको पता ही है. किसी भी फोटोग्राफ के साथ हमारी पास्ट की बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं. सो पोइटर्स की शर्ली टॉल्सन की भी बहुत मेमोरीज जुड़ी हैं उनकी मदर के चाइल्डहुड के बारे में. इस फोटोग्राफ में थ्री गर्ल्स आर देयर, जिसमें से एक पोइटर्स की मदर हैं और बाकी दो उनकी कजिन्स हैं. एंड पोइटर्स की मदर, शी वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड जब का ये फोटोग्राफ है जो उनके अंकल ने लिया था. सो बिफोर आई स्टार्ट द पोएम, माय रिक्वेस्ट टू यू इज आप पूरा सुनिएगा एक्सप्लेनेशन, बिकॉज पहले पार्ट में मैं पोएम को एक्सप्लेन करूँगी एंड इन द सेकेंड पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. द कार्डबोर्ड शोज मी how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. So cardboard, the meaning of cardboard here is photograph. Jo cardboard ka word use kiya gaya hai, uska matlab hai photograph. Shows me how it was. वो उस कार्डबोर्ड में पोइटर्स देखती हैं कि टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, किसके साथ दो कजन गई, पोइटर्स की मदर के साथ. तो टोटल फोटोग्राफ में देर आर थ्री गर्ल्स, एक पोइटर्स की मदर हैं और दो उनकी गर्ल कजन्स हैं, वेंट पैडलिंग. नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ पैडलिंग? पैडलिंग इज जब हम पानी पर, पानी की लहरों में बीच पर चलते हैं, उसको पैडलिंग बोला जाता है. सो दीज थ्री गर्ल्स, व्हाट वर दे डूइंग एट द बीच? दे वर पैडलिंग, दे वर वॉकिंग थ्रू द वेव्स ऑन द बीच. अब क्या कर रही थी ये दोनों कजिन्स? इन्होंने पोइटर्स की मदर का हाथ पकड़ा हुआ था एक एक तरफ से. एंड शी द बिग गर्ल, तो तीनों गर्ल्स में से सबसे बड़ा कौन था? पोइटर्स की मदर वॉज द एल्डेस्ट इन द पिक्चर. शी वॉज, पोइटर्स की मदर सबसे बड़ी थी तीनों में. ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. ऑल थ्री हियर रेफर्स टू तीनों कजन्स, एक पोइटर्स की मदर और दो उनकी कजन्स. वो क्या कर रही हैं फोटोग्राफ में? वो स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर. थ्रू देयर हेयर मीन्स इट वॉज वेरी विंडी, बहुत तेज हवा चल रही होती है बीच पर, तो तब भी हवा चल रही थी जिससे कि उनके बाल उनके फेस पर आए हुए थे तीनों गर्ल्स के. और उन बालों के बीच में से, बालों के हेयर के थ्रू दिख रहा था कि ऑल द थ्री गर्ल्स आर स्माइलिंग एट द अंकल. अब वो किसको स्माइल कर रही थी, किसने स्माइल कर रही थी? देयर अंकल वॉज देयर, ही वॉज विद द कैमरा. अंकल अपने कैमरा से उनका फोटोग्राफ ले रहे थे तीनों गर्ल्स का. और वो तीनों गर्ल्स जिनके बाल बिखरे हुए थे, हवा से बाल उनके फेस पर आ रहे थे, कैमरा की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी फॉर अ गुड फोटोग्राफ. अ स्वीट फेस माय मदर्स, तो पोइटर्स क्या बोलती हैं अपनी मदर के बारे में कि जब वो उनकी मदर 12 इयर्स की थी, उनका फेस बहुत ही स्वीट था. जैसे एवरी चाइल्ड हैज अ वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल फेस, सो वाज द फेस ऑफ पोइटर्स मदर. इट वाज अ वेरी स्वीट फेस दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न. सो ये उनका स्वीट फेस, उनका ब्यूटीफुल फेस कब था?
When the poet's mother was a young girl of 12 years old and उस वक्त poetess जो हैं वो पैदा नहीं हुई थी, उनके birth से पहले का ये photograph है. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Ye, this is a very important line here. Now the poetess is comparing human life with the life of nature. She says ki jab unki mother 12 years ki thi, bachchi thi, she was very sweet and beautiful looking. But ab unki mother, jab baad mein wo apni mother ki memories ko old age mein recall karti hain, to unki mother उतनी स्वीट और इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी बिकॉज ह्यूमंस आर ट्रांजिएंट. ट्रांजिएंट मींस समथिंग व्हिच इज नॉट परमानेंट. वी आर नॉट परमानेंट. वी कम ऑन दिस अर्थ फॉर अ शॉर्ट टाइम, वी लिव एंड देन वी डाई. बट उसके कॉन्ट्रास्ट में पोएट्रेस बोलती हैं कि सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस. लेकिन जब वो फोटोग्राफ में सी को देखती हैं और बाद में भी जब उन्होंने सी को देखा तो उन्होंने देखा कि सी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए. सी समुद्र वैसे का वैसे ही था जैसा उस वक्त था जब पोएट्रेस की मदर एक यंग गर्ल थी, और बाद में भी सी वैसा ही था. सो एंड शी हैज गिवन अ ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर. नेचर लिव्स फॉर लॉन्ग एंड इट डजंट चेंज. Whereas with age हम लोगों के बॉडी में, फेस में चेंजेस आ जाते हैं और हम लोग धीरे धीरे वी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स डेथ. वी फिनिश, वी लिव आर लाइफ एंड देन वी लीव फॉर आर हेवनली अबोड. एंड इस ट्रांजिशन में फ्रॉम द चाइल्डहुड टू यूथ एंड देन टू ओल्ड एज आर बॉडी, आर अपियरेंस, आर स्ट्रक्चर चेंजेस. Whereas the nature does not change as much. So, and the sea, which appeared to have changed less, washed their terribly transient feet. Transient feet का यहाँ पर मतलब यही है कि जो sea का पानी है वो उनके पैरों के ऊपर, तीनों girls के पैरों के ऊपर आ रहा था. Transient feet basically बोला गया है कि वो feet जो परमानेंट नहीं है, जो बहुत टेम्प्रेरी हैं, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए हैं, एंड उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे, वो वीक हो जाएंगे एंड फाइनली वी ह्यूमन बीइंग्स डाई. सम 20-30 इयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस अप फॉर द बीच. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट. Mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Now our poetess is recalling the old memories of her mother. वो अपनी mother की पुरानी memories को याद कर रही हैं poetess, कि अब से 20 साल, 30 साल पहले she would laugh. She यहाँ पे किसके लिए बोला गया है? Poetess की mother के लिए. जब poetess की mother snapshot अपने फोटोग्राफ को देखती थी तो वो हंसती थी. और वो क्यों हंसती थी? बिकॉज वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को रिकॉल करती थी. अब यहाँ पे प्लीज आप पे अटेंशन चिल्ड्रन, दो लोग अपनी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल कर रहे हैं. सबसे पहले पोएट्रेस अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रही हैं कि कैसे उनकी मदर अपनी फोटोग्राफ को देखकर हंसती थी, और उस हंसने में पोएट्रेस की मदर अपने चाइल्डहुड को याद करके हंसती थी. और क्या बोलती थी पोएट्रेस की मदर? सी बेटी एंड डॉली. तो ये बेटी एंड डॉली कौन है? ये पोएट्रेस की मदर के कजन्स के नाम हैं जो फोटोग्राफ में उनके साथ हैं, बेटी एंड डॉली. शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. एंड वो क्या बोलती थी कि देखो हमें बीच के लिए कैसे ड्रेस किया हुआ था. दे यहाँ पर कौन है? दे हैं कजन्स और पोएट्रेस की मदर के पेरेंट्स. जब बच्चों को वो बीच पर उन्होंने भेजा तो उन्होंने उनको अच्छे से तैयार करके भेजा, और पोएट्रेस की मदर अपनी वो पुरानी यादें, अपने बचपन की यादें कि उनके पेरेंट्स उनको कैसे तैयार कर कर बीच पर भेजते थे. शी वुड लाफ आउट ऑफ हैप्पीनेस. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट.
जो सी पर जाके तीनों कजिन्स मदर और उनकी दोनों कजिन्स अपना अच्छे से हॉलीडे स्पेंड करती थी वो उनका पास्ट था, वो मदर का पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरा मेरा माइन हियर इज दी पोइटेस। पोइटेस का पास्ट क्या है? उनकी मदर का फोटोग्राफ को देखकर हंसना पोइटेस का पास्ट है, जिसको पोइटेस याद करती हैं और वो खुश होती हैं अपनी मदर के लाफ्टर को सोचकर। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राय? राय मीन्स डिसअपॉइंटेड। बोथ डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दोनों डिसअपॉइंटेड क्यों थे? एंड दो बोथ यहाँ पे किसको रेफर किया गया है? बोथ इज रेफर्ड टू द पोइटेस एंड हर मदर। दोनों डिसअपॉइंटेड इसलिए थे बिकॉज पोइटेस की मदर हैड लॉस्ट हर ब्यूटी, शी हैड लॉस्ट हर चाइल्डहुड, शी हैड लॉस्ट द स्वीट फेस विद पैसेज ऑफ टाइम। एंड पोइटेस क्यों डिसअपॉइंट थी? पोइटेस इसलिए डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर मदर। अब जब वो इस फोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर को याद कर रही हैं, दैट टाइम हर मदर इज नो मोर विद हर। सो दे बोथ हैव सफर्ड लॉस। दोनों का नुकसान हुआ है। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मैं आपको समझाऊंगी जब हम पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस मीन्स कि दोनों का लॉस हुआ उस चीज को जिसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने आप को यंग रखने के लिए, टू लिव ऑन दिस अर्थ, वी वर्क वेरी वेरी हार्ड, बट देन वी डोंट इवन रियलाइज एंड वेरी इजिली वी लूज आर यूथ, वेरी इजिली वी लूज आर चाइल्डहुड। सिमिलरली पोइटेस ऑलवेज वॉन्टेड टू बी विद हर मदर। हम हमेशा, हम सब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपनी मदर के साथ रहना चाहते हैं, बट वो इजिली, बहुत आसानी से हमारे हाथों से हमारी जिंदगी बीतती चली जाती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। So now she's been dead. She is here referred to the poetess mother. I have already told you that when the poetess has written this poem, her mother had already died and she was no longer with her. Nearly as many years as that girl lived. So poetess की mother की death हुए हुए कितने साल हो गए? Almost 12 years हो गए हैं। उतने ही ईयर्स हो गए हैं जितने ईयर की उसकी मदर उस फोटोग्राफ में है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्टेंस? कौन से सर्कमस्टेंस का डिस्कशन है यहाँ पर? सर्कमस्टेंस इज द डेथ ऑफ द पोइटेस मदर। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। सो पोइटेस बोलती हैं कि इस सर्कमस्टेंस के बारे में, इस ट्रेजेडी के बारे में, द लॉस ऑफ अवर मदर, शी हैज नथिंग टू से, शी इज सो मच फुल ऑफ सोरो एंड ग्रीफ। वो इतना दुखी है, इतना उनके अंदर पेन है कि वो अपनी मदर के डेथ के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। सिर्फ उनके पास साइलेंस और एक साइलेंस ही है, एक चुप्पी, एक सन्नाटा है उनके पास और कुछ नहीं। Now I will discuss poetic devices which are very important and इसके ऊपर ज़रूर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। So the cardboard shows me how it was। सबसे पहले मैं आपको enjambment बताऊँगी। What is the meaning of enjambment? When one sentence spills to the next line and there is no punctuation mark at the end of the line, it is called enjambment। जब पोयम में एक लाइन में सेंटेंस पूरा नहीं होता और वो सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता है और उसके एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता, ना कोई कॉमा या ना कोई फुल स्टॉप, तो उसको हम एंजेबमेंट बोलते हैं। तो यू सी दिस लाइन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज,
अब यहाँ ना कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है एंड ये सेंटेंस दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रहा है. When the two girl cousins went paddling, so this is an enjambment. Each one holding one of my mother's hands. Now we have alliteration here. What is alliteration? When same consonant sound is repeated at the start of two or more consecutive words. You look here, my mother. The sound of ma is repeated in two words which are next to each other. So this is called alliteration. Now, coming to this line, all three stood still to smile through their hair. You see, there is no punctuation mark at the end of this line, and this sentence is continuing in the next line, at the uncle with the camera. So this is an enjambment here. Again, we have alliteration, stood still. Again, we have through there as alliteration. My mother's, again, the sound of consonant M is repeated here. So this is a alliteration. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now, terribly transient, again, the sound of consonant T is repeated here, T sound is repeated. So this is an alliteration. Also, this is epithet. What is epithet? When we use an adjective in a poem to describe a noun, what is described here? Feet. Feet noun has been described as transient, temporary, not permanent. So this is epithet. Some 20-30 years later, this is an enjambment because there is no punctuation mark here and the sentence is continuing to the next line. She would laugh at the snapshot. See Betty. Again, there is an enjambment here because there is no punctuation mark at the end of the line and the sentence continues to the next line. And Dolly, she would say, and look how they, again, there is no punctuation mark here and the sentence continues to the next line. So there is an enjambment here. Dressed us for the beach, the sea holiday. Again, children, there is an enjambment here. Was her past, mine is her laughter, both wry. Again, you see there is no punctuation mark and the sentence continues to the next line. So again, we have enjambment here. With the labored ease of loss. Now, what is labored and ease? Labored means jiske liye bahut mehnat ki ho, lot of hard work. And what is ease? Something which happens very easily. So these are two opposite meaning words which have been used in this sentence. So such poetic device is called oxymoron. I will give you the definition of oxymoron. Oxymoron is when two words with opposite meanings come together in a line, in a poem, this is called oxymoron. Now she's been dead nearly as many years as that girl lived. And of this circumstance, there is nothing to say at all. It's silence silences. Again, there is an enjambment here because the sentence doesn't end here, moves on to the next line and there is no punctuation mark. We again have enjambment here and of this circumstance because the sentence continues to the next line and yahan par bhi koi punctuation mark nahi hai. And silence silences is your alliteration because the sound of consonant S, sound is repeated.